अजीज तलबा और तलबात आज हम आपसे गुफ्तू करेंगे रेडियो ड्रामे के फ़न के बारे में यानी रेडियो ड्रामे की स्क्रिप्ट कैसे लिखी जाती है और फिर इस स्क्रिप्ट को आवाज़ के ज़रिए कैसे मुजिन किया जाता है आपने कभी ना कभी कोई ड्रामा रेडियो से ज़रूर सुना होगा और आप ये भी जानते हैं कि रेडियो ड्रामा रेडियो की एक अहम सिंफ है और ये मुख्तल मरहले से गुजर कर आपकी समातों को मनोवर करती है ये एक तख्लीकी है जो मुख्तलिफ़ मराहल से गुजर कर आप तक पहुँचती है लेकिन पाँच मिनट से लेकर तीस मिनट तक दौरानिया तक के ड्रामे की तैयारी में कई दिन लग जाते हैं तब जाकर आप इसे रेडियो सेट पर सुनते हैं रेडियो की तारीख में नशरी ड्रामे की रवायत इब्तदा से ही मिलती है और ये फ़न की मुख्तल कसौटियों पर कसते हुए आज एक तोाना शक्ल में हमारे सामने मौजूद है रेडियो ड्रामे की तकनीक के जरिए सामीन के अजहान में किसी फिक्र या ख्याल की सौती तस्वीर उतारने का अमल काफ़ी पुराना है गुजा एक सदी से दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में रेडियो प्रोडक्शन का काम जारी है और आज ये सिलसिला न सिर्फ बाकी है बल्कि इस शोबे में नित नए तरीक़े ईजाद किए जा रहे हैं और तहक़ीक का काम भी जारी सारी है मग़रबी ममालिक दानशगाहों और जामियात में इस मौजू पर खसूस तवज्जो दी जा रही है रेडियो ड्रामे के असूल का इतलाक़ न सिर्फ ड्रामों पर होता है बल्कि कमर्शियल ट्रेलर ड्रामाई बुलंद खानी और पाँच मिनट के सीरियल तक में एक साथ तौर पर होता है ये सिर्फ़ जहन का खेल होता है कि हम किस तरह सुनने वालों के तस्वूर में तस्वीर बना सकें गालिबा मीडिया में लफ्ज़ प्रोडक्शन का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है क्योंकि मीडिया बिलखसूस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रोग्राम तैयारी के मुख्तलिफ मरहलों से गुजरते हैं और इसे गुजरने के अमल को प्रोडक्शन कहते हैं रेडियो ड्रामा प्रोडक्शन का गैर तकनीकी सिलसिला उस वक्त शुरू होता है जब आप किसी मखसूस मौजु पर ड्रामा पेश करना चाहते हैं या मनसूबे बनाना शुरू करते हैं ये अमल उस वक्त तक जारी रहता है जब तक हम उस ड्रामे को बहसन खूबी सामयीन की समातों के हवाले ना कर दें इस तवील मुद्दत में एक राइटर और प्रोड्यूसर को मुख्तलिफ मे से गुजरना पड़ता है आइए सबसे पहले जानते हैं कि रेडियो प्रोडक्शन क्या है दरअसल ये एक ऐसा मेकानिकी या तकनीकी तरीका कार है जिसके जरिए हम तहरीरी अल्फाज को रिकॉर्ड करते हैं और मुनासिब मौसी और सौती असरात का इस्तेमाल करके एक सौती ड्रामा तैयार करते हैं तैयारी के इन मुख्तलिफ मरल की मुकम्मल तकमील को रेडियो ड्रामा प्रोडक्शन कहते हैं जिसमें ड्रामे का कानमान मौज़ प्लॉट सौती असरात इब्तदा और अख्ताम नहायत अहम अज्जा हैं इन अज्जा की मदद से रेडियो ड्रामा तैयार किया जाता है ड्रामे का नाम या यानवान इस क़दर जाज्बे तवज्जो हो कि सुनते ही सामयीन इसकी तरफ मतवजे हो जाए या तरगीब पाएं और जैसे जैसे ड्रामा ड्रामाज की तरफ जाए मज़ीद वाज होता जाए उर्दू के इब्तदाई रेडियो ड्रामे में उनवान बहुत वाज नहीं होते थे किसी भी रेडियो ड्रामे के लिए मौजू का इंतखा एक दुश्वार मरहला है इसे माशरे के हर एक फ़र्द की दिलचस्पी का ख्याल रखना पड़ता है और इसका इंतखब रेडियो ड्रामे के फ़न के पेश नज़र करना चाहिए किसी भी कहानी को लिखने से कबल उसके बुनियादी ख्याल या प्लॉट और हयत का तयन कर लेना चाहिए एक बार अगर आपने ये तय कर लिया तो कहानी फितरी तौर पर आगे बढ़ती जाएगी सबसे पहले ये तय किया जाए कि जिस ड्रामे को आप नषर करना चाहते हैं वो किसके लिए है और इसका ख़दाफ क्या है इसके तकाज़े क्या हैं और इसके लिए किस तरह की बातें या ख्याल मुताबिकत रखती हैं रेडियो से मतलब एक आम राय यह है कि इसके प्रोग्राम अमूमन घर के सभी अफराज सुनते हैं इसलिए ड्रामों में आम ज़िंदगी की दिलचस्पी और मसाइल को ही मौजू बनाया जाए या किसी अफसाना या नावल को ड्रामे की सूरत में पेश किया जाए फ़र्ज़ करें कि एक ड्रामा नगार रेडियो के लिए ड्रामा लिख रहा है तो वो इसकी शुरुआत कैसे करे और वो ड्रामे के ज़रिए सामीन को क्या पैगाम देना चाहता है क्या वो पैगाम रेडियो मीडियम के लिए मुनासिब है क्या ड्रामा निगार रेडियो ड्रामा के बुनियादी ख्याल को सामीन की जहनी सतह से हम आंग कर पाएगा अगर इस तरह के सवालों का जवाब आपको हाँ में मिल जाए तो एक कदम और आगे बढ़ें ड्रामा लिखते वक्त सौती असरात और मौसी का भी ख़ास ख्याल रखा जाता है ताकि प्रोडक्शन के वक्त उनकी मदद से सामीन के अजान में सौती तस्वीर उभर सके यही वजह है कि रेडियो ड्रामा निगार को इस बात का अच्छी तरह इल्म होना चाहिए कि वो किसी कहानी या ड्रामे को रेडियो मीडियम के तकाजे के मुताबिक अच्छी तरह ढाल सके यहाँ से ड्रामा निगार एक नए मरहले में दाखिल होता है और तीन बुनियादी नुकात पर अपनी तवज्जो मरकूज़ करता है नंबर एक कहानी नंबर दो तरतीब नंबर तीन किरदार कहानी कहने या लिखने का सबसे आसान तरीका यह है कि सबसे पहले हालात की तशरी फिर तसा या टकराव को मुतारफ़ कराया जाए और फिर अमल को इन नक के अलावा यकीन दूसरी पेचीदगियाँ और सब प्लाट भी हो सकते हैं लेकिन एक अच्छी कहानी या ड्रामा वो है जिसमें सामयीन ये जानना चाहते हैं कि आखिर में क्या हुआ जुर्म किसने किया क्या दोनों मोहब्बत करने वाले आपस में मिले क्या पुलिस वक्त पर आ गई थी मजीद मज़द बसादम का अमल सुनने वालों को तरगीब दे कि वह आखिर तक ड्रामा सुने ड्रामे में अगर नुक़ः पर पहुँच कर दिलचस्पी बरकरार रहती है तो फिर कोई मसला नहीं है यह ज़रूरी नहीं कि आखिर में आप छोटे छोटे वाक़ को बयान करें बल्कि इसका अख्ताम बहुत ही पुरसर होना चाहिए लेकिन बेहतर तो ये है कि कभी कभी कुछ बातें अनकहीं छोड़ देनी चाहिए या दूसरी सूरत में सामीन को किसी सवाल या मसले के साथ छोड़ देना चाहिए प्रोडक्शन की रूह से ये आज भी बहस का मौजू बना हुआ है रेडियो में सीन थिएटर के मुकाबले में मुख्तसर होता है रेडियो में सिचुएशन को मुख्तसर और आसान होना चाहिए लेकिन एक ड्रामा निगार सीन की तवालत और इख्तसार को बुनियाद बनाकर ड्रामे में दिलचस्पी पैदा कर सकता है इस तरह किसी भी ड्रामे के मजमू इरत का इिससार उसकी मुसलसल तरक्की पर भी है रेडियो ड्रामे में कॉन्ट्रास्ट यानी आवाज़ के फ़र्क से भी दिलचस्पी को तरीके से पेश किया जा सकता है मिसाल के तौर पर रफ्तार की तब्दीली मूड की तब्दीली और तब्दीली मका के जरिए भी ये काम किया जा सकता है रेडियो ड्रामा निगार की कोशिश होनी चाहिए कि वो सिर्फ आवाज़ के ज़रिए तस्वीर बनाएँ। अगर वो चाहता है कि ड्रामे में रंग और मूड भी शामिल हो तो उसे मुनासिब अल्फाज और सौती एतबार से ऐसी जगहों का इस्तेमाल करे जिससे उसका तस्वुर सामीन के जहन में उभर सके आम तौर पर मजा ड्रामे का आगाज़ ऐसी तरतीब से किया जाता है कि किरदारों के ख़दोखाल को उभारा जा सके जिसके बाद कहानी की इब्तदा होती है रेडियो के ज़रिए जो कहानी या ड्रामा पेश किया जाता है इसमें काफ़ी वसत होती है इतनी वसूत होती है कि बगैर किसी तख़ीर के ज़माने वाक़ हालात हादसा मसरतों और गमों के लम्हों को पेश किया जा सकता है यहाँ ज़रूरी है कि जमा व मकान से मतलक मयारी तहकीक होनी चाहिए ताकि सामयीन में रेडियो का एतबार बरकरार रहे मुमकिन है कि आपके सामीन में कोई सामे इस मौजू का माहिर हो और आपकी ग़ैर मीरी तहक़ीकी बातें उसे नागावार गुजरे। बरतानिया के एक मशहूर ड्रामा नवीस बार गार्जियन जिन्हें उर्फ़ आम में स्क्रिप्ट डॉक्टर कहा जाता है उनका किरदार निगारी से मुतलिक मौक़ ये है कि किसी भी कहानी को तरतीब देते वक्त तीन सवालों का जवाब तलाश करना चाहिए अदाकार या अदाकारा कौन है वो चाहता या चाहती क्या है मुझे इसका ख़्याल क्यों रखना चाहिए आखिरी सवाल इस बात की तरफ तोज्जो दिला रहा है कि कम अज़ कम कहानी का सबसे अहम किरदार सामीन के साथ एक ताल्लुक़ या रब्त पैदा करे ड्रामा निगार जब कोई किरदार तख्लीक करता है तो उसके इंसानी रुझाना और बर्ताव में एकसानियत होनी चाहिए किरदार निगारी रेडियो ड्रामे का एक लाजमी जुज़ है और ज़रूरी है कि ड्रामे में शामिल तमाम किरदारों का सौती चेहरा बनाया जाए ताकि किरदार बहसीत फ़र्द के मस्हकम हो सके और आसानी से अपने मकाल में अदा कर सके इस सिलसिले में मज़ीद इन नकत पर गौर करें उनकी उम्र जिन्स क्या है वो कहाँ के रहने वाले हैं और गुफ्तु कैसे करते हैं उनकी कदोकामत रंग और आम शबी कैसी है उनकी समाजी हैसियत और अकायद कैसे हैं उनकी पसंद और नापसंद क्या है अजीज़ व अकारीब और रकीबों से किस तरह के मरासिम हैं वो क्या सुनना पसंद करते हैं इन तमाम अज्जा की मदद से रेडियो ड्रामे में किरदारों के नकोश नुमाया हो सकते हैं किरदार अपने कौल व के ज़रिए बताता है कि अब वो एक क्या करने वाला है बाज़ मखसूस हालात में किरदार तो ख़ुद अपने फ़ेल की नफ़ी भी करता है रेडियो ड्रामे में मकालमे की अहमियत वही है जो पूरे बदन में गर्दिश खून की है मकालमे ड्रामे की जान है इनकी अदायगी से ही ड्रामे सामीन तक पहुँचते हैं रेडियो ड्रामे में मकालमे की अहमियत का जिक्र करते हुए डॉक्टर अखलाक असर अपनी किताब रेडियो ड्रामे का फन में लिखते हैं कि रेडियो ड्रामे में मकालमे को अवलीत हासिल है कोई भी रेडियो ड्रामा निगार मकालमा नवीसी की बेहतरीन सलाहियत के बगैर कामयाब नहीं हो सकता है वो अलफाज का बड़ा फयाज़ होता है और अल्फाज के मिजाज से पूरी तरह वाकिफ़ होता है वह ऐसे अलफाज इस्तेमाल करता है जो सौती सिंफ़ के साथ गहरी मानवियत रखते हैं इस जुमले पर गौर करें देखो उसके हाथ में बंदूक है इस तरह के जुमले फ़िल्म थिएटर और टेलीविज़न के लिए गैर ज़रूरी हैं क्योंकि नाजरीन देख रहे हैं कि उसके हाथ में बंदूक है लेकिन रेडियो में ये बात बताने के लिए ये जुमला काफ़ी मौजू है किरदार की ज़बान आम बोलचाल की ज़बान होनी चाहिए और अगर इसमें इलाकई लहजा हो तो उसे भी मकालमे में शामिल करना चाहिए इस सिलसिले में ड्रामा निगार या प्रोड्यूसर का मुशाह काफ़ी मानी रखता है मकालमे के दौरान कश्मकश को बढ़ाने के लिए खामोशी का इस्तेमाल भी किया जाता है मकालमे में गुस्सा जज्बात खुशी या गम का इजहार आवाज़ों को ओवरलैप करके भी किया जाता है मकालमा लिखते वक्त अगर सौती असरात या मौसकी की तफसील दे दी जाए तो मकालमे को समझने और समझाने में आसानी होती है मकालमे की अदायगी के वक्त किरदार अगर एक दूसरे का नाम लेते रहें तो सामीन के जहन में इन किरदारों के नाम महफूज हो जाते हैं और ड्रामे की तफीम में आसानी पैदा हो जाती है रेडियो ड्रामे में लफ्ज़ ये और वो का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए बल्कि इसकी वजाहत करनी चाहिए कि ये और वो कौन है स्टेज ड्रामे की तरह रेडियो ड्रामे में भी कहानी के मुख्तलिफ अज्जा को इस तरह तरतीब दिया जाता है कि सुनने वाले के लिए ये एक लहर बन सके मिर्जा ज़फर अहसन अपने मजमून नसरी ड्रामा और अदाकारी में इसकी वजाहत करते हुए लिखते हैं कि नसरी ड्रामे में मौसीकीौती असरा और अनाउंसर के तबसरे से मुख्तलिफ मनाज़र को मिलाया और तरतीब दिया जाए मसला दो अफराद अपने घर में बैठे हुए आइंदा सफ़र का जिक्र कर रहे हैं इसके बाद का मंर इस्टेशन का प्लेटफार्म है घर की गुफ्तु और प्लेटफॉर्म के मंजर के दरमियान अगर मोटर का आना और इन दोनों का इसमें बैठना मोटर का चलना पुरसोर सड़क से गुजरना इस्टेशन के पास मोटर कार का रुकना वगैरह रखा जाए तो ये ज़रूर जाजिब तवज्जो होगी तरतीब से मतलक़ कोई खास असूल नहीं है इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे सामने कोई ड्रामा हो और हम उसकी गुंजाइश का ख्याल रखते हुए ये बताएं कि मनाजिर को किस तरह तरतीब देना चाहिए स्टेज ड्रामा हो फिल्म हो या रेडियो ड्रामा हो सब में हिदायत और हिदायतकार का होना ज़रूरी है यहाँ हिदायत से मुराद ये है कि ड्रामा निगार या प्रोड्यूसर स्क्रिप्ट में जगह जगह इस बात की वजाहत करे कि मकालमे की अदायगी किस तरह से होगी और इसमें सौती असरात का इस्तेमाल कैसे होगा रेडियो में जब से रिकॉर्डिंग का सिलसिला शुरू हुआ है प्रोड्यूसर और हिदायतकार ने अदाकारी के जौहर भी दिखाए हैं हिदायतकार स्टूडियो में ड्रामा आर्टिस्ट के साथ पूरे अमल में शरीक रहता है और कदम कदम पर उनकी रहनुमाई करता है उन्हें माइक से कितना करीब होकर बोलना है कितना दूर होकर बोलना है कभी कभी हिदायतकार ड्रामे में कोई किरदार भी अदा कर सकता है आइए पहले एक रेडियो ड्रामे का मंजर देखते हैं उन्नीस सौ बयालीस में कयूम मीर का ड्रामा मिलाप रेडियो से नषर हुआ जिसकी इब्तदा में सौती असरा का इस्तेमाल बखूबी हुआ था रेडवे प्लेटफॉर्म पर सामान लाने और ले जाने की मध्यम आवाज दूर से मामूली सा शोर लोगों का आवाज़ यह डाक का थैला जवाब हाँ और फिर ठक के बाद दरवाज़ा बंद करने की आवाज़ गाड़ी की सीटी की चीख छक छक की आवाज़ के साथ गाड़ी का चलना किसी के कदमों के चाप सुरस से जैसे वो प्लेटफार्म पर दौड़ रहा है और फिर गाड़ी का दरवाज़ा बंद करने की आवाज़ और इतमान का सांस गाड़ी चलने की आवाज़ बदस्तूर मनमोहन अरे आप तो गोया ये ज़नाना डब्बा है इस मंज़र की इब्तदा में मकालमों की जगह सौती असरात से काम लिया गया है रेडियो ड्रामे में सौती असरात या मौसीकी का इस्तेमाल कितना हो किस हद तक हो इसके लिए कोई मखसूस असूलोत नहीं है बल्कि ये प्रोड्यूसर के स्वाब दीद पर मुनसर है कि वो किस हद तक पुरअसरंदाज में इसे इस्तेमाल कर सकता है ड्रामे में का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल सामयन के लिए अदम दिलचस्पी का बायस बन सकता है प्रोड्यूसर को ही फैसला करना है कि मौसीकी का इस्तेमाल कितना और कहाँ होना चाहिए रेडियो ड्रामे में यकसा उसलूब पैदा करने के लिए इब्तदा और अखता में यकसा मौसीकी का इस्तेमाल किया जाता है और फिर रेडियो ड्रामे में एक मंजर से दूसरे मंजर में दाखिल होने के लिए भी मौसीकी का ही सहारा लिया जाता है जिसे चेंज ओवर म्यूज़िक कहते हैं यहाँ इसका दौरानिया 20 से 30 सेकंड के दरमियान होना चाहिए और मौसी का ये टुकड़ा एक ही तरह का हो बेहतर तो यह है कि रेडियो ड्रामे में मौसीकी का इंतखब प्रोड्यूसर और मौसीकार को मिलकर करना चाहिए रेडियो ड्रामे में किसी मखसूस मूड या माहौल या मंजर पेश करने के लिए भी मौसीकी का ही इस्तेमाल किया जाता है इस सिलसिले में प्रोड्यूसर को रेडियो स्टेशन की लाइब्रेरी में मौजूद मौसीकी से वाकफियत रखनी चाहिए बाज़ मखसूस हालात और स्क्रिप्ट के तकाजे के मद्देनज़र मखसूस नौ की, की रिकॉर्डिंग भी की जा सकती है मौसीकी को कभी कभी सौती असरात के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है अंग्रेज़ मुसनफ़ रॉजर मैनवेल का कहना है कि मौसीकी की कशिश और असरपजीरी ड्रामे की जमालियात और जज्बात को पुरसर बनाती है रेडियो ड्रामे में इसका इस्तेमाल किसी मखसूस मूड को पेश करने के लिए भी किया जाता है मौसीकी के मतवाजी रेडियो ड्रामे में सौती असरात का इस्तेमाल भी किया जाता है ताकि इसकी मदद से सुनने वालों के जहन में ड्रामे का मंज़र उभर सके अखलाक असर का कहना है कि जहाँ सौती असरात से काम चल सकता हो वहाँ मकालमों के इस्तेमाल से बचना चाहिए मसला अगर सौती असरात से बाजार की भीड़ और शोरगुल का अंदाज़ा हो और बाजार के मंजर के लिए इन सौती असरात को पेश किया जा रहा हो तो मकालमों से माहौल की तखलीक जरूरी नहीं मगर कहीं कहीं सौती असरात के साथ मकालमों से इनकी वजात ज़रूरी हो जाती है जैसे सामयन गिलास भरने की सौत सुन रहा है यह सौत दूध पानी या मशरूब की हो सकती है इसी तरह पैरों की चाप ऐसे मौाक़े पर मकालमों से सौती असरात की वजाहत ज़रूरी हो जाती है जहाँ कम से कम सौती असरात के इस्तेमाल का ख्याल रखना पड़ता है वहाँ उनका इंतखाब भी एक मसला है किसी भी ड्रामा प्रोडक्शन का ये अहम हिस्सा है जिसमें ड्रामा प्रोडक्शन से मुतलक तफसलत दर्ज होती हैं ये काम दो सतहों पर किया जाता है सबसे पहले ड्रामा नगार ड्रामा लिखने के दौरान प्रोडक्शन से मतलब तफसत दर्ज करें और जब ये स्क्रिप्ट प्रोड्यूसर के पास जाए तो वो अपनी जरूरियात के मुताबिक तरमीम करे और मामूली से मामूली बात की वाज हिदायत दे ताकि किरदार उसके मुताबिक अदाकारी कर सके इसके अलावा एक आम नशरी स्क्रिप्ट के चंद बुनियादी तकाजे भी होते हैं जैसे रेडियो की स्क्रिप्ट को एक सफे पर एक तरफ टाइप किया जाए ताकि रिकॉर्डिंग के दौरान कागज़ या सफ़े के उलटने की आवाज़ ना आए दो सत्रों के दरमियान तीन स्पेस का फ़ासला रखें ताकि ज़रूरत के तहत किरदार या प्रोड्यूसर तरमीम व इजाफा कर सकें मकालमे और जुज्त को नंबरवार लिखें स्क्रिप्ट में आसानी के लिए हिदायत तफसीलात सौती असरात और मौसकी वगैरह को कौसन में लिखें या अंडरलाइन करें या जली जलीफ में लिखें ताकि ये मकालमे से अलग और वाज नज़र आए स्क्रिप्ट की रिप्रोडक्शन मुकम्मल तौर पर वाज हो इसकी नकल हर एक किरदार को अलग अलग दें और कुछ जायद कापी भी रखनी चाहिए इस्क्रिप्ट की एक कापी को मास्टर कापी बनानी चाहिए और प्रोड्यूसर इसी कापी पर अपनी हतमी राय लिखे मिसाल के तौर पर प्रोफेसर शमीम हनफी के रेडियो ड्रामा अपनी अपनी जंजीर के लेआउट का एक नमूना देखें इंडोर आवाज़ें इब्तदाई मौसकी, तरबनाक और विंग खुशी के साथ साथ सख्त तुष्ट का तासुर फिड आउट के साथ ही चौधरी हक हुक्के के लगातार कश लगाते हैं फिर खासते हैं चौधरी साहब पुकारते हुए अरे भाई कोई है रमज़ानी ईदू सबराती ये सब के सब कहाँ हैं भागते हुए कदमों की चाप करीब आती है आलिया जी मामू जान चौधरी साहब ओह ये तुम हो इधर मत आना मकरमिया यहाँ बैठे हुए हैं मैं कहता हूँ कि ये रमज़ानी ईद उशराती उफ ये सब के सब कहाँ हैं कब से गला खुश्क हो रहा है आलिया शरबत भेजवाऊँ चौधरी साहब शरबत नहीं अच्छा ठीक है मकरम मियाँ के लिए शरबत भेज दो मेरे लिए सादा पानी गला खुश हो रहा है दोबारा खांसने लगते हैं और अंदर जाते हुए आलिया के कदमों की चाप आलिया ये लीजिए मामू जान और मकरमिया के लिए शरबत चौधरी साहब उठकर दरवाजे तक जाते हैं पानी और शरबत का गिलास लेकर आते हैं चौधरी साहब ये लो मकरिया शरबत पियो मुकर्रम। आपने नाहक बेटा को जहमत दी मगर ये शरबत और इसका रंग चौधरी साहब रंगी नहीं जरा जायका भी देखो बड़ा पुराना नुस्खा है अब्बा जान महरूम का याद किया हुआ है मैं तो बस यही शरबत पसंद करता हूँ पीता हूँ तो अब्बा जान याद आ जाते हैं किस्म किस्म की चीजें इसमें मिलाई जाती हैं जब ही तो इसका रंग मुकर्रम हाँ अजीब रंग है जरा जर जरद कुछ सब्ज सब्ज कुछ सुर्खी माहिल चौधरी साहब खुश होकर और मजा मुकर्रम मज़ा कुछ तुरस तुर्स कुछ मीठा मीठा चौधरी साहब अरे मियाँ खट मीठा क्यों नहीं कहते यही तो खूबी है इसमें लाजवाब मकरम बेशक पास आते हुए कदमों की आवाज चौधरी साहब कौन रमजानी मैं हूं सरकार रमजानी चौधरी साहब गुस्से में कहां मर गए थे रमजानी नमाज के लिए गया था चौधरी साहब नमाज के लिए गए थे नरमी से अच्छा जाओ रमज़ानी जाता है पास आते हुए कदमों की आवाज़ चौधरी साहब कौन ईदू ये मैं हूँ सरकार ईदू चौधरी साहब तुम कहाँ मर गए थे ईदू मैं नमाज के लिए गया था चौधरी साहब नरमी से है, नमाज के लिए गया अंदर जाओ ईदू अंदर जाता है वक्फ़ा चेंज ओवर म्यूजिक चौधरी साहब हुक्के का एक तवील कश लेते हुए अजीज़ तलबा तलबात अब तक हमने आपसे रेडियो ड्रामे के फ़न से मुतलिक जो गुफ्तु की वो माँ कबल प्रोडक्शन यानि प्री प्रोडक्शन की तफसीलात थी अब हम आपको बताएंगे कि रेडियो प्रोडक्शन की शुरुआत कैसे की जाती है यहाँ एक बात आप सब जहन नशी कर लें कि रेडियो ड्रामा प्रोडक्शन के मरवजा वसूल के मतवाजी हर एक प्रोड्यूसर अपने अपने तरीक़ार भी इस्तेमाल करता है क्या कभी कभी ड्रामे के स्क्रिप्ट में प्रोडक्शन के नए तकाज़े भी होते हैं यहाँ से शुरू होता है प्रोडक्शन का अमली काम इन दिनों बेशतर रेडियो इस्टेसन रिकॉर्डिंग के जदीद आलात से मुजयन है इससे कबल रेडियो में अनालोग रिकॉर्डिंग सिस्टम था जिसमें एक बड़ी रिकॉर्डिंग की मशीन के ज़रिए ऑडियो स्पूल टेप पर रिकॉर्डिंग की जाती थी इस मशीन को सेंट्रल टेप रिकॉर्डिंग या ऑडियो टेप रिकॉर्डिंग भी कहा जाता है बाज़ रेडियो स्टेशन इस पर इसका सिलसिला आज भी जारी है लेकिन ज़्यादातर स्टेशन ने एनालॉग सिस्टम को ख़त्म करके डिजिटल सिस्टम पर प्रोडक्शन का काम शुरू कर दिया है एनालॉग के मुकाबले डिजिटल पर काम करना आसान है इसके ज़रिए बारीक से बारीक एडिटिंग हो जाती है इसमें कट और पेस्ट करने की सहूलत भी मौजूद है इस सिस्टम के ज़रिए मकालमों के दरमियान या पस मंज़र में सौती असरात या मौसकी को आसानी से मरतसम किया जा सकता है रेडियो को तख्लीकी तौर पर इस्तेमाल करने के लिए एक प्रोड्यूसर को चाहिए कि वो इस्टूडियो में इस्तेमाल होने वाले आलत या वर्क स्टेशन से अच्छी तरह वाकिफ़ हो एक एक मशीन के इस्तेमाल के मुमकिन और लिमिटेशन से भी वाकिफ़ हो तब वो एक अच्छा ब्रॉडकास्टर या प्रोड्यूसर बन सकता है ये किसी भी ट्रांसमिशन स्टूडियो या प्रोडक्शन स्टूडियो का एक अहम हिस्सा है स्टूडियो में मौजूद तमाम दूसरे आलात को इससे जोड़ दिया जाता है ये ऑन ईयर जाने वाले ऑडियो के लेवल को कंट्रोल करता है कंसोल से आमतौर पर माइक्रोफोन सीडी प्लेयर मिनी डिस्क और कंप्यूटर को जोड़ दिया जाता है इस अमल को एक मखसूस केबल के, के ज़रिए अंजाम दिया जाता है इसमें बैक वक्त कई एक ऑडियो फाइल को प्ले करने की सहूलत होती है आजकल खूबसूरत और पोटेबल कंसोल आठ मॉड्यूल के बाजार में दस्याब हैं जिनसे आप प्रोडक्शन का काम बखूबी कर सकते हैं इन मॉड्यूल पर फेडर्स लगे होते हैं जिसे ऊपर और नीचे करने से आवाज़ का हज बढ़ता और घटता है एक अच्छा अनाउंसर या प्रोड्यूसर इस कंसोल के ज़रिए आवाज़ को मुतसम कर सकता है और प्रोग्राम को पुरकशिश बना सकता है माइक्रोफोन की बहुत सारी किस्में हैं ये एक तरह की नहाय हसास मशीन या आला है जो आवाज़ को पिकअप करता है रेडियो प्रोडक्शन में आमतौर पर बाई माइक यानी दो रुखी माइक का इस्तेमाल किया जाता है यानी एक ऐसा माइक जिसके दोनों तरफ आर्टिस्ट खड़े होकर मकाल में रिकॉर्ड करा सकते हैं इसके अलावा सी डी प्लेयर्स कैसेट्स मिनी डिस्क रिकॉर्डर इस्पीकर कंप्यूटर वगैरह स्टूडियो में होते हैं लेकिन इन दोनों सिस्टम पर काम करते हुए इन नुकात का ख्याल रखना चाहिए रेडियो ड्रामे के स्क्रिप्ट को प्रोड्यूसर और ड्रामा निगार दोनों मिलकर पढ़ें और ज़रूरत के मुताबिक इसमें तरमीम इजाफा करें और रिहर्सल और रिकॉर्डिंग के लिए वक्त मुकर करें ड्रामे की कास्ट की तैयारी शुरू की जाए ड्रामे में हिस्सा लेने वाले आर्टिस्टों को अलग अलग कॉपी मुहैया कराई जाए और उनके किरदार कायन किया जाए रिहर्सल के लिए वक्त मुकर की जाए और इससे मतलब ज़रूरी इकदाम किए जाएँ पहले रिहर्सल में ड्रामा निगार प्रोड्यूसर मौसीकार सौती असरा के माहिर भी मौजूद हों यहाँ स्क्रिप्ट की रीडिंग होती है जिसमें मकाल में सौती असरा और मौसी से मतलब तबादला ख्याल किया जाता है प्रोड्यूसर और इसके माम ड्रामे में इस्तेमाल होने वाले सौती असरा और मौसकी को इकट्ठा करें रेडियो इस्टूडियो की बुकिंग करें और इसमें किसी मखसूस तकनीकी सहूलत की ज़रूरत हो तो इंजीनियर से रबता करें सबसे पहले तमाम आर्टिस्ट की मौजूदगी में प्रोड्यूसर ड्रामे की स्क्रिप्ट को पढ़े इसमें मौजूद मुश्किल अल्फाज के आसान मुतबाद लिखे ताकि आर्टिस्ट आसानी से इसे अदा कर सके यहाँ प्रोड्यूसर मकालमों की अदायगी पर खास ध्यान देता है लहजे के उतार चढ़ाव से आर्टिस्ट को आगाह करता है ड्रामे का आखिरी रिहर्सल स्टूडियो में माइक पर होता है ताकि प्रोडक्शन की तमाम तज़ियात जैसे तहसीन आमेज लहजा बोलने या पढ़ने में ठहराव आवाज़ का उतार चढ़ाव वगैरह का अंदाज़ा माइक पर लगाया जा सके ड्रामा प्रोड्यूसर किसी एक मखसूस मकालमे के ज़रिए क्या हासिल करना चाहता है इसकी वजाहत ज़रूर करे और आर्टिस्ट को बताए और अगर वो आर्टिस्ट मतलूबा मैार के मुताबिक अदाकारी नहीं कर पा रहा है तो खुद उसे करके दिखाए उर्दू सर्विस के ड्रामा प्रोड्यूसर अनवर ख़ान को इसमें यदतुला हासिल था वो खुद अदाकारों को अदाकारी करके बताते थे कि उन्हें ये चाहिए अगर ड्रामा आपका लाइव हो रहा है तो आप दौरान नश्र माकबल सौती असरात का इस्तेमाल स्टूडियो इस में कर सकते हैं प्रोड्यूसर की जिम्मेदारी है कि वो रिकॉर्डिंग के दौरान अदाकार को ग़ौर से सुने और देखें कि मकालमे की अदायगी में उसे मज़ीद किसी सहूलत की ज़रूरत है हर एक मंजर या मकालमे की रिकॉर्डिंग पूरे बेशवाराना महारत के साथ होनी चाहिए अगर एक टेक में रिकॉर्डिंग ना हो सके तो मज़ीद टेक्स लेने चाहिए और इसमें बेहतर टेक इस्तेमाल करना चाहिए रिकॉर्डिंग मुकम्मल हो जाने के बाद एनालॉग सिस्टम या डिजिटल सिस्टम के तहत इस ड्रामे में मौसी सौती असरा सदाए का इस्तेमाल करें और ख़ास तौर पर ड्रामे के दौरानिया का ख़्याल रखें इस तरह तैयार करदा ड्रामे को ट्रांसमिशन सिस्टम में डालकर बकिया कागजी कार्रवाई मुकम्मल करें जैसे ट्रांसमिशन क्यूशीट की तैयारी जिसमें ड्रामे का कानवान दौरानिया टेप नंबर या फोल्डर का नाम ड्रामा निगार का नाम तारीख़ नसर नशरी का वक्त और ड्रामे में हिस्सा लेने वाले आर्टिस्ट और मौसीकार की तफसील दर्ज हो अगर अनाउंसर को मजीद जानकारी देनी हो तो इसी क्यूशीट में नोट लगा कर लिखें आज की गुफ्तु यहीं तमाम करते हैं आइंदा किसी और मौजू के साथ मुलाकात होगी शुक्रिया